अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर शाहिद है, डॉक्टर शाहिद हमीद। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और डायबिटोलॉजिस्ट हूँ और कंसल्टेंट फिजिशियन। तकरीबन 23-24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इंटरनल मेडिसिन, डायबिटीज, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के यूनिट्स में मैंने काफ़ी साल काम किया। आज मैं आपसे काले यरकान और थोड़ी सी सिरोसिस के मतलब बात करूंगा। लेकिन काला यरकान आमतौर पर हेपेटाइटिस बी को कहा जाता है और इसके साथ साथ हेपेटाइटिस सी भी कॉमनेस्ट काज है। इस वीडियो में मैं हेपेटाइटिस सी पर ज़्यादा तवज्जो दूंगा और इसके बाद फिर किसी वीडियो पर हम हेपेटाइटिस बी भी डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस जिगर की सोजिश, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वायरसेस हो सकते हैं, कुछ अल्कोहल हो सकता है, कुछ और बीमारियां हो सकती हैं, ड्रग्स हो सकती हैं। तो आज ज़्यादा जोर हेपेटाइटिस सी पर होगा। हेपेटाइटिस सी एक आरएनए वायरस है और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में बजरिया खून मुंतकिल हो सकता है, जिसकी मोस्ट कॉमन तरीके जो हैं आप समझ लें कि इंजेक्शंस, खून की मुंतकली या ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डेंटल वर्क, कोई कानों का छिदवाना, नाक का छिदवाना, एक दूसरे के ब्रशेस यूज करना, नाई के पास, हजाम के पास जाना, वो एक ही रेज़र को बार बार यूज़ कर दे, सर्जरीज अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन ना हो तो, ये और इवन बहुत रेयर है हेपेटाइटिस सी के लिए अगर आप कोई इसकी मियां बीवी के रिलेशन की बात करें या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की बात करें तो शायद लेस देन 3% है, निगलिजिबल है, कोई बहुत कॉमन नहीं है एज कम्पेयर टू है एड्स या हेपेटाइटिस बी जिसमें कि ज़्यादा ट्रांसमिशन है। जब ये वायरस किसी एक शख्स में मुंतकिल हो जाता है तो उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक को हम एक्यूट हेपेटाइटिस और दूसरे को हम क्रॉनिक। एक्यूट यानी आरजी और क्रॉनिक का मतलब है दायमी, और इस सिलसिले में हम दायमी उस वक्त कहेंगे जिगर के सोजिश को जब 6 महीने से ज़्यादा हो जाए, और एक्यूट आम तौर पे 4-6-8 हफ्तों में सेटल डाउन हो जाती है। हेपेटाइटिस सी के भी कोई समझ लेंगे कुछ फीसद, कोई 15-20% मरीज एक्यूट हेपेटाइटिस की शक्ल में प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रॉनिक यानी दायमी में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये हेपेटाइटिस दायमी 6 महीने से ज़्यादा रहती है तो फिर उसको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी एक काबिले इलाज बीमारी है। ये वायरस तकरीबन मेरा ख्याल है 1988-89 में डिस्कवर हुआ था और उसके बाद 1998 में पहली बार इंटरफ्रॉन्स के साथ और राइबोफ्लेविन के साथ इसका एक मुनासिब सा इलाज निकला था। उसके बाद चलते चलते साइंस की तरक्की के साथ साथ गोलियां आईं, 1 से 2, 2 से 3 और डिफरेंट गोलियों के कॉम्बिनेशन आ गए और आज के दौर में 2 या 3 गोलियों के
कॉम्बिनेशन मिला के अगर हम इलाज करें तो 90-95% से ज़्यादा लोग हेपेटाइटिस के वो परमानेंट ठीक हो जाते हैं। सो ये उस किस्म की बीमारी नहीं रही कि इसका इलाज ना किया जा सके। अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो ये बीमारी 20 से 30 साल में जिगर को सख्त कर देती है, हार्ड कर देती है, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर कहते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर भी उसको फिर हम कंपनसेटेड या डीकंपनसेटेड में डिवाइड कर लेते हैं और उसका एक बकायदा सिस्टम होता है क्लासिफिकेशन का, चाइल्ड्स पग क्लासिफिकेशन, जिसमें चाइल्ड ए बी सी ये तीन ग्रेड्स होते हैं। और भी क्लासिफिकेशन हैं लेकिन कॉमन ये यूज होती है। अगर सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए और डीकंपनसेशन हो जाए, यानी तिली बहुत बढ़ जाए, वाइट सेल प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाएं और पेट में पानी पड़ जाए या खून की उल्टियां आ जाएं, तो उस सिचुएशन में तरीका कार बदल जाता है। चांस है कि गोलियों से इलाज किया जाके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको या तो सिर्फ और सिर्फ बार बार एंडोस्कोपी और पेशाब और दवाइयों की और कुछ और मेडिसिन के साथ इलाज किया जाए, या फिर जो बेस्ट ट्रीटमेंट है जो कि अब पाकिस्तान में अवेलेबल है, PKLI पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है, शेख जैद हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में भी शिफा इंटरनेशनल है, कराची में है, जहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट अब पाकिस्तान में अवेलेबल है। लेकिन उसके दो बड़े इशू हैं कि क्या आपका ट्रांसप्लांट डोनर अवेलेबल है, क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये अफोर्ड करते हैं, तो वो एक अलग इशूज़ है। इसलिए दुनिया में एक एनुअल मेडिकल चेकअप का कॉन्सेप्ट चलता है, तो वो ऐसे नहीं दुनिया वालों ने रखा, साइंसदानों ने रखा। तो अपनी स्क्रीनिंग हर साल बाद अपने मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए, इस स्क्रीनिंग से पता चलता है। अगर आप ये समझें कि मैं तो फिट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं है, तो ये शायद मुनासिब ना होगा। अब जो ही आपको आपने चेकअप करवाया, आपको पता चल गया कि आपको हेपेटाइटिस सी है, तो आम तौर पे ये वाला टेस्ट HCV एंटीबॉडी बाय ELISA आम तौर पे ELISA से कंफर्म किया जाता है, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट भी इनिशियल बहुत सारी लैब्स करती हैं। अगर ये एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इलाज की ज़रूरत है। ये वायरस बाज़कात 15-20% लोगों में ख़ुद से भी क्लियर हो जाता है होने के बाद, तो उसको जानने के लिए क्या ये वायरस ज़िंदा है या मर चुका है ख़ुद से, तो आपको PCR टेस्ट करवाना पड़ता है। तो PCR आपको बताता है कि क्या आपको इलाज की ज़रूरत है या नहीं है। वो इलाज आम तौर पे आजकल गोलियों की शक्ल में ही होता है। अब ये दो कॉमन टेस्ट हैं जिनसे पता चलता है, और इसके साथ साथ बेसिक दूसरे टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं, जिसमें लिवर फंक्शन टेस्ट, एल्ब्यूमिन लेवल और एक आपका PTA PTT जिगर की जो खून को गाढ़ा करने की सलाहियत, वो वाला टेस्ट। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, उसमें देखना है कि तिली, जिगर और जो है आपकी पोर्टल वेन और पेट में पानी है कि नहीं है, ये देखना पड़ता है। इसके अलावा आपको हर मरीज को एक बार ये अपर GI एंडोस्कोपी यानी गैस्ट्रोस्कोपी, मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि गैस्ट्रोस्कोपी, स्क्रीनिंग गैस्ट्रोस्कोपी, स्पेशली ये जो दो हैं हेपेटाइटिस बी और सी या दूसरी कोई भी सिरोसिस काज करने वाली जो वजह अगर सामने आए, तो ये गैस्ट्रोस्कोपी करवानी ज़रूरी है। गैस्ट्रोस्कोपी से ये देखा जा सकता है कि क्या आपके मेदे और जो खुराक की नाली है, इसका जो जंक्शन है, जोड़ है, इस पर खून की नालियाँ तो नहीं फैली हुई, और कई दफ़ा मेदे की जो छत है फंडस, उस पर भी वायरसेस होते हैं, खून की नालियां फूल चुकी होती हैं।
तो ये जंक्शन वाली नालियों को तो रबड़ के छल्ले चढ़ाए जा सकते हैं, और जो फंडस वाली नालियां फूली हों उनमें कई दफ़ा एक इंजेक्शन होता है हिस्टोएक्रल, वो लगाना पड़ता है, तो उससे ये खून की नालियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये स्क्रीनिंग गैस्ट्रोस्कोपी बहुत ज़रूरी है। जब आपके ये वायरसेस अगर तो इस्तेमाल हैं तो फिर तो इलाज वगैरह ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़े हैं तो फिर ये वाला इलाज करना पड़ता है। अगर पेट में पानी नहीं है तो फिर आपका इलाज होने के चांस है। ये इलाज इन सारे टेस्टों के बाद आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको ये बीमारी ख़त्म करने वाला इलाज चाहिए या आपको ये वाला इलाज ना चाहिए और आपको पैलिएटिव केयर चाहिए सिर्फ। पैलिएटिव का मतलब है कि खिदमत और सिर्फ सपोर्टिव केयर, या फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदा भी लिवर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं हो सकता। तो ये अपने फिजिशियन पे छोड़ दें। लेकिन अब इसमें होता ये है कि ये इलाज थोड़े सख्त होते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, और हर महीने या कभी महीने से जल्दी कभी 2 महीने बाद आपको अपने मॉलेज के पास जाना होता है, और ये टेस्ट बार बार करके देखना पड़ता है कि इलाज कैसा जा रहा है। पीसीआर भी रिपीट करना पड़ता है और खून के टेस्ट भी रिपीट करने पड़ते हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपका ये इलाज जारी रखा जा सकता है। तो ये तो हो गया हेपेटाइटिस सी। दवाइयों की तफसील में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आपका फिजिशियन डिसाइड करेगा। अगर आपके पेट में पानी है, मरीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पेट के पानी में कई दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है, उसको SBP स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस कहते हैं। अगर पेट में दर्द है, बुखार है, पेट फूलता जा रहा है, उसकी और वजूहत भी हो सकती हैं, लेकिन कॉमन काज ये है। पेट के फूलने की वजूहत और भी हैं जिसमें TB, कैंसर, लिवर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ भी आ सकती हैं। कई दफ़ा ये होता है कि पेट में से पानी निकालना पड़ सकता है उसको, बल्कि पानी को टेस्ट करना पड़ता है। कई दफ़ा उसको बार बार निकालने की ज़रूरत पड़ती है, साथ में कुछ पेशाब आवर गोलियां देनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर साहब पर आपने ट्रस्ट करना है और उनके मशवरे से आपने इसका इलाज करवाना है। तो ये तो बात हो गई क्रॉनिक हेपेटाइटिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और सिरोसिस ऑफ लिवर से रिलेटेड एक बहुत ही छोटी सी समरी। अगर आपको कोई और मालूमात चाहिए तो आप मेरे से ईमेल, व्हाट्सएप या फेसबुक पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। सलाम अलैकुम।